दोस्तों, मैं जिसान आर्य और आप देख रहे हैं अपने इस YouTube चैनल जिसान मॉनिटर। आज के इस वीडियो में आप जानेंगे कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का स्टेटस कैसे चेक करते हैं और उसका प्रिंट रसीद जो है वो प्रिंट दोबारा कैसे प्रिंट कर सकते हैं। अगर आपके पास किसान पंजीकरण संख्या भी नहीं है तो फिर भी आप चेक कर पाएंगे अपना स्टेटस और दोबारा अपना पीएम किसान सम्मान निधि योजना वाला जो रिसिप्ट निकलता है वो आप दोबारा प्रिंट कर सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश करेंगे, अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आता है वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। यहाँ मैं आपकी काम की बहुत सारी वीडियो बनाते रहता हूँ। यहाँ मैंने बताया था कंप्यूटर इंस्टीट्यूट कैसे खोले, बीसीसी सर्टिफिकेट वगैरह कैसे प्रोवाइड कराए आप अपने गांव में। यहाँ मैंने बताया था बड़े बड़े अस्पताल जो होते हैं, एम्स होते हैं, अपोलो होते हैं, उसमें आप किस तरह नंबर लगा सकते हैं और जिस दिन आप जाएंगे उसी दिन डॉक्टर आपको देख लेंगे, तो इसमें आपको समय भी ज़्यादा नहीं लगेगा, ना ही आपको रुपया कहीं पर देने की ज़रूरत है। और इस वीडियो में मैंने आपको बताया था ये हेल्थ के रिलेटेड वीडियो है कि यहाँ पे किस हॉस्पिटल में किस ब्लड ग्रुप का खून भी बाकी है, इमरजेंसी में कभी कभी खून की ज़रूरत पड़ जाती है तो इस तरह आप पता कर सकते कहाँ पर अभी किस ब्लड ग्रुप की खून बाकी है। तो ये मैं आपके लिए हेल्थ के लिए भी आपका सेहत का ध्यान रखते हुए मैंने ये वीडियो आपके लिए बनाया है, वीडियो जरूर देखिएगा। अगर चैनल पहली बार चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलिएगा। तो चलिए सबसे पहले आपको आना है dbtagriculture.bihar.gov की, इनकी वेबसाइट पे आपको लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। अगर आप पीएम किसान सम्मान निधि योजना के लिए अप्लाई किए तो आप उसका स्टेटस चेक करेंगे। स्टेटस चेक करने के लिए आपको यहाँ पे आना होगा, यहाँ पे आते होंगे आप और यहाँ पे आप देखते होंगे पीएम किसान भुगतान की स्थिति। यहाँ पे जब आप क्लिक करते हैं तो आपका कुछ ओपन नहीं होता है, मतलब कि इस तरह का आपको दिखाएगा सर्विस अनअवेलेबल। फिर आप इस स्थिति में कैसे आप चेक कर पाएंगे अपना स्टेटस, उसके लिए फिर से आपको इसी पे आना। इसी पे आने के बाद आपको यहाँ पे मिला है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, इस पर आपको क्लिक करना होगा। तो जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे यहाँ पे चेक एप्लीकेशन स्टेटस फॉर पीएम किसान, तो इस पर आप क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको एप्लीकेशन नंबर दे देंगे, मतलब कि जो भी किसान रजिस्ट्रेशन किए होंगे तो किसान रजिस्ट्रेशन का आपको नंबर मिलेगा, वही नंबर आपको यहाँ पे इंटर करना है, उसके बाद यहाँ पे सर्च पे क्लिक कर देना है। तो जैसे आप सर्च पे क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको स्टेटस दिखा देगा यहाँ पे। तो उसके बाद जैसे आप सर्च पे क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको स्टेटस दिखा देगा, आपका नाम और आपका आवेदन पंचायत स्तर पर यानी कि लंबित है तो यहाँ पे आपको दिखा देगा स्टेटस, क्या आपका स्टेटस। यहाँ मैं आपको दूसरा भी यहाँ पे चेक करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ मैंने दूसरा एप्लीकेशन नंबर देकर सर्च किया तो यहाँ पे कह रहा है आपका आवेदन पंचायत स्तर से जिला स्तर मतलब कि अंचल अधिकारी को भेज दिया गया है, ठीक है। तो ये अब भेज दिया गया है पंचायत से ब्लॉक अंचल अधिकारी के पास, तो वहाँ सब इनका पेमेंट डल जाएगा। इस तरह आप स्टेटस चेक कर पाएंगे। अगर आपके पास ये एप्लीकेशन नंबर नहीं है तो किस तरह आप एप्लीकेशन नंबर निकाल सकते हैं, उसके लिए आपको होम पे जाना होगा। होम पे आने के बाद यहाँ पे क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ पे पंजीकरण पे जाने के बाद यहाँ पे पावती प्रिंट पे क्लिक करेंगे। जैसे आप इस पे प्रिंट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको पंजीकरण पावती को सिलेक्ट करना होगा। उसके बाद यहाँ कह रहा आप पंजीकरण संख्या या आधार संख्या, तो यहाँ पर आपको आधार संख्या सेलेक्ट कर लेना और यहाँ पर आपको अपना आधार नंबर दे देना होगा। आधार नंबर देने के बाद सौ रिकॉर्ड पर क्लिक करेंगे। जैसे आप सॉरी कट पर क्लिक इस तक आ जाएगा यहाँ पे आप ये देख लीजिए ये जो नंबर है यही आपका एप्लीकेशन नंबर है, किसान पंजीकरण संख्या है, ठीक है। यही से आपको स्टेटस भी चेक करना होगा। मैं इसका भी फिर से आपको चेक करके एक बार स्टेटस दिखा देता हूँ क्योंकि ये अदर पर्सन का है। तो यहाँ पे फिर से क्लिक करेंगे, यहाँ पर एप्लीकेशन देंगे, उसके बाद सर्च पर क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए आप मुख्यालय स्तर से भारत सरकार को इतना का कर देंगे, मतलब कि मुख्यालय स्तर को भेज दिया गया पेमेंट के लिए और इनका पेमेंट भी आ चुका है, ठीक है। तो इस तरह आप स्टेटस चेक कर पाएंगे। तो चलिए अब मेन बात है कि रसीद दोबारा कैसे प्रिंट करें, पीएम किसान सम्मान निधि योजना का जो रसीद मिलता है उसको दोबारा कैसे प्रिंट करें, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर फिर से आएंगे आवेदन की स्थिति है, आवेदन प्रिंट पाएंगे, उसके बाद नीचे आएंगे, सबसे नीचे आपको यहाँ मिलता है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना आवेदन प्रिंट, इस पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको पंजीकरण संख्या देना होगा, जो पंजीकरण संख्या आपके किसान रजिस्ट्रेशन संख्या वो देंगे, उसका यहाँ पे सर्च पे क्लिक कर देंगे। तो इसे आप सर्च पे क्लिक करेंगे यहाँ ये रसीद आपको निकल जाएगा और यहाँ से आप इसको प्रिंट कर सकते हैं फिर से।
प्रिंट करने के लिए आपको ऊपर में प्रिंट बटन दिया गया है, इस पर क्लिक करेंगे तो आप यहां से प्रिंट भी कर सकते हैं। तो इस तरह आप अपना स्टेटस जान सकते हैं, अपना प्रिंट निकाल सकते हैं, आवेदन प्रिंट, पीएम किसान वाला स्टेटस जान सकते हैं। अगर आपके पास आवेदन संख्या भी नहीं है तो आप इस तरह यहां से फॉरवर्ड कर सकते हैं अपने आवेदन संख्या को। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और मैं जाते जाते आपको एक सजेशन देना चाहता हूँ, अगर आप अपनी दुकान में बैंकिंग सर्विस प्रोवाइड करना चाहते हैं एपीएस की मदद से, आईसीआई बैंक एपीएस इन कंपनी इजी फोर पे का, जिसमें आप आईसीआई बैंक एपीएस यूज़ कर सकते हैं, एयरटेल पेमेंट बैंक का मनी ट्रांसफर और आईसीआई बैंक का मनी ट्रांसफर आपको यहाँ पर मिलने वाला है। और अच्छा खासा कमीशन के साथ यहाँ पर आपको सभी सर्विस मिलेगा, जिसमें आपको यहाँ पर रिचार्ज, एपीएस, बीपीएस, मनी ट्रांसफर, ट्रेवल, जनरल इंश्योरेंस प्लस एनएचडीएल की पैन कार्ड वगैरह आपको मिलने वाले यहाँ पे। अगर आपको इसका आईडी चाहिए तो आप हमें कमेंट कीजिए अपना नाम, मोबाइल नंबर, या आप हमें डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं, नंबर आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कर दीजिए, अगर आप इसमें ज्वाइन होना चाहते हैं तो आप ज्वाइन हो सकते हैं और यहाँ पर आप अपनी दुकान को बैंकिंग में कन्वर्ट कर सकते हैं। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलिएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।